फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिविल इमेज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल इमेज में। हाउस कंस्ट्रक्शन के अंदर जो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा, या इंटरव्यू में भी आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सबसे पहले जब आप अपने एरिया में जाओगे, प्लॉट के एरिया में जाओगे, तो सबसे पहले आप क्या करोगे। तो गाइज, उसके लिए हमारा आंसर बनता है कि सबसे पहले जो हमारी प्लॉट के ऊपर वेजिटेशन ग्रो कर गई है, वेजिटेशन हमारी पेड़ पौधे होते हैं, जैसे आप पीछे देख रहे हैं, जैसे ये हमारी वेजिटेशन ग्रो हो गई है प्लॉट के ऊपर, आपका आंसर यही रहेगा कि सर सबसे पहले तो हम जो हमारी वेजिटेशन है उसको हटाएंगे, एंड उसके बाद हमारा एक्सकेवेशन का प्रोसेस आता है कि जितना भी हमारी डेप्थ है फाउंडेशन की, जो हमारी फुटिंग की जो डेप्थ गई है NGL से, या फिर जो हमारे पास रोड लेवल होता है उससे जो हमारी डेप्थ गई है, उसके अंदर हमारी एक्सकेवेशन करी जाएगी। एंड एक्सकेवेशन जो होती है वो दो टाइप से आप करवा सकते हो, या तो आप JCB से करवा सकते हो, या आप जो आपका सेकंड रहता है आप लेबर से करवा सकते हो लेबर रेट पे। तो गाइज, मैं तो आपको यही बोलूँगा कि जो आपका एक्सकेवेशन होगा वो JCB पे ही सस्ता पड़ेगा, लेबर रेट पे आपका हमेशा एक्सकेवेशन जो होगा वो महंगा पड़ेगा, क्योंकि जो लेबर हमारा जो फर्स्ट स्टेप है एक्सकेवेशन का हाउस कंस्ट्रक्शन के अंदर वो हम करवा रहे हैं, वो कैसे होगा। नो फ्रेंड्स, वी हैव आवर प्लॉट एरिया हेयर, वी हैव 4 प्लॉट्स हेयर, हमारे यहाँ पर 4 प्लॉट हैं, और ये 4 प्लॉट का जो हमारा एरिया है इसका हमें एक्सकेवेशन करवाना है। तो उसके अंदर कटाई होती है कि एक कटाई में आपको काटना है, दो कटाई में काटना है, तीन कटाई में काटना है, कितनी कटाई में आप अपने प्लॉट के जो सोयल है उसको काट के साइड में डंप करेंगे। अब जैसे हमारी जो एक्सकेवेशन जाएगी वो रोड लेवल से 10 फीट पे जाएगी, तो जैसे अभी हमारे पास जो एक ट्रैक्टर है वो सोयल भर के लेके अब वहाँ पे डंप करने के लिए गए हुए हैं साइड में। एंड सो यहाँ पे फ्रेंड्स, जो हमारा एक्सकेवेशन एरिया रहेगा वो 10 फीट रहेगा, जो मेरी वीडियो है बुर्जी के ऊपर, उस वीडियो में जो मैंने आपको रोड लेवल दिखाया हुआ है उसके अंदर हमारा उस रोड लेवल से ये हमारा 10 फीट रहेगा। अब जो ये हमारा हमने एक्सकेवेशन करवाया है, हमने एक विड्थ ले ली है एक्सकेवेशन करने के लिए, और ये विड्थ विद द हेल्प ऑफ JCB हम एक्सकेवेट करवा रहे हैं। एंड गाइज, हमेशा ध्यान रखें साइट पे जो फ्रेशर इंजीनियर होगा उसके लिए ध्यान रखने वाली बात है कि जो आप अब यहाँ पर वॉक करेंगे तो हमेशा ध्यान रखें जो आपकी जो एरिया है इससे इस साइड रहें, क्योंकि इस सोयल का नीचे बैठने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, का पैर फिसल सकता है और आप नीचे गिर सकते हैं। अब हमारे पास 2 JCB लगी हुई हैं यहाँ पे, अब ये जो JCB होएगी यहाँ से एक्सकेवेट करके हमारे ट्रैक्टर के अंदर डंप होती जाएगी सोयल, और जो ट्रैक्टर से हमारी सोयल देखी, जैसे हमारे वो उस ट्रैक्टर के अंदर फिलअप हो गई थी सोयल एंड वहाँ पे डंप कर रहे थे, एंड ये यहाँ पर आ जाएंगे और पीछे खड़े हो जाएंगे लाइन में, एक हमारा जो ट्रैक्टर आएगा यहाँ पे खड़ा हो जाएगा, सोयल एक्सकेवेट होके डंप होनी स्टार्ट हो जाएगी। एंड यहाँ पे हमने यहाँ पे भी एक्सकेवेशन स्टार्ट कर रखी है 4 प्लॉट्स जैसा मैंने बताया था, तो हमने एंड टू एंड एक्सकेवेशन स्टार्ट कर दी है, यहाँ से भी स्टार्ट हो गई है, वहाँ से भी स्टार्ट हो गई है। तो जो हमने ये एक्सकेवेट किया था एरिया, इसकी सोयल हमने साइड में डंप कर दी है प्लॉट, साइड वाले प्लॉट में, क्योंकि और जो ये हमारी सोयल है विद द हेल्प ऑफ दैट JCB हम इसको वहाँ पर डंप कर रहे हैं दूसरी साइड में। ये प्रोसेस मैं आपको जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट इसलिए बता रहा हूँ कि हमारी वीडियो लंबी ना हो और आपको कम टाइम के अंदर ज़्यादा नॉलेज मिल जाए। सो फ्रेंड्स, जो भी फ्रेशर है साइट पे जाता है पहली बार, उसको कैसे एक्सकेवेशन करवाना चाहिए, कितनी कटाई में, वो हमारा लैंड का एरिया देख के हमें पता चलता है कि भाई कितने क्या एरिया है, कैसे कैसे साइट पे कहाँ कहाँ हमारी सोयल डंप होएगी, उस सोयल की डंप के अकॉर्डिंगली हमें कटाई करवानी पड़ती है हमारी एक्सकेवेशन के लिए। अब जैसे यहाँ से एक्सकेवेट होके इन्होंने ट्राले के अंदर हमारी सोयल फिल कर दी है, कि जो जिसके अंदर हमारी सोयल फिल होती है उसको हम पॉकेट बोलते हैं, एंड जो ये ऊपर नीचे हो रहा है इसको हम मोम बोलते हैं। तो गाइस, हमारा ये वाला ट्राला थोड़ा बड़ा है, तो इसको भी फिल करने में कितने पॉकेट हमारे JCB के लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एंड गाइस, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था इंटरव्यू क्वेश्चन बनता है एक,
कि आप साइट के ऊपर गए, आपने साइट को देखा, उसके अंदर आप सबसे पहले क्या करेंगे? तो गाइज़ हमारा आंसर यही होना चाहिए कि सर सबसे पहले जो वहाँ पर वेजिटेशन उगी हुई है, वेजिटेशन इन द सेंस वहाँ पर जो भी प्लांट हैं, ग्रास है, जो भी अपनी जिसे हम जंगली पेड़ पौधे बोलते हैं, जो उगे हुए हैं उनको हम हटाएंगे और उसको हटाने के बाद हम एक्सकेवेशन स्टार्ट करेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, फ्रेशर होते हैं वो सीधा सीधा बोल देते हैं जाके कि सर सबसे पहले मैं जाऊंगा और मैं एक्सकेवेशन स्टार्ट कर दूंगा करनी, तो वहीं पे आपका आंसर गलत हो जाता है। हमेशा ध्यान रखें, दोबारा मैं आपको रिपीट करके बता रहा हूँ कि आप जब भी बोलेंगे सबसे वो आप बोलेंगे सर सबसे पहले मैं लैंड का सर्वे करूँगा, लैंड का सर्वे करने के बाद मैं जो वहाँ पे वेजिटेशन है वेजिटेशन को क्लीन करवाऊँगा एंड उसके बाद मैं एक्सकेवेशन प्रोसेस स्टार्ट करूँगा। गाइज ये हमारी फर्स्ट वीडियो है, हमारे हाउस कंस्ट्रक्शन के अंदर प्लेलिस्ट आ जाएगी बहुत जल्दी ही। हाउस कंस्ट्रक्शन के अंदर कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको क्या क्या करवाना है मैं आपको डेली वीडियो अपलोड करके बताऊंगा। ये हमारी फर्स्ट वीडियो है जिसके अंदर आपको एक्सकेवेशन का प्रोसेस बताया जा रहा है कि आपको कितनी कटाई में एक्सकेवेशन करनी चाहिए। एंड गाइस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कितने पॉकेट लगे जेसीबी के। एक ट्रैक्टर के ट्राले को फिल करने में एंड गाइस जैसे हमारा ये ट्रैक्टर स्टार्ट हो गया है, अब क्योंकि इसके अंदर अब पॉकेट फुल हो गई हैं तो अब ये ट्रैक्टर स्टार्ट हो जाएगा और जो हमारा दूसरा ट्रैक्टर है ये ट्रैक्टर हमारा चला गया है और जो हमारा दूसरा ट्रैक्टर है वो लाइन में आ गया है। अब ये दूसरा ट्रैक्टर हमारा यहाँ पे लाइन में अटैच हो जाएगा, लग जाएगा और जो हमारा फर्स्ट ट्रैक्टर है वो हमारे प्लॉट एरिया से थोड़ी दूर जाकर हमारी जो सोयल है जो हमने एक्सकेवेट की है वो डंप कर देंगे। देखिए कितने चाव से बच्चे देख रहे हैं जेसीबी एक्सकेवेट करते हुए। सो एक साथ हमारे फील्ड में हमने दो जेसीबी प्लस दो ट्रैक्टर हमने एक्सकेवेट करवाने के लिए कर रखे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे कंबाइन फुटिंग आनी है। एंड हमारा एक दूसरा मेथड होता है कि हम पहले कॉलम की आउटलाइन ले लेते हैं, जहाँ पर हमारी आइसोलेटेड फुटिंग होती है वहाँ पर हम कॉलम की आउटलाइन ले लेते हैं एंड विद दी हेल्प ऑफ जेसीबी हम सिर्फ उतना ही एरिया एक्सकेवेट करवा लेते हैं जितने के अंदर हमारी फुटिंग आनी है एंड उससे हमारी कॉस्टिंग भी कम हो जाती है, जेसीबी से कॉस्टिंग कम हो जाती है। और प्लस अगर हमारी आइसोलेटेड फुटिंग है और उसके अकॉर्डिंगली हमारे जो फुटिंग हमारी हमारी फुटिंग जहां पर जिस जिस प्लेस पे प्लॉट एरिया में आनी है वहां पर ही हम एक्सकेवेट करवाएंगे तो और हमारी कॉस्ट कटिंग कम हो जाती है एंड हमारा टाइम भी सेव हो जाता है। एक्सकेवेशन के बाद का जो प्रोसेस सेकंड स्टेप होगा वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ये था हमारा फर्स्ट स्टेप।